ट्रेडिंग एक आर्ट फॉर्म है, एक स्किल फॉर्म, इसको सीखना पड़ता है और जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीखते ना, आपका लॉस गारंटी है। सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा, इंडेक्स व्यू 14 सितंबर 2023। आज मेरे ख्याल से यस बैंक की एक वीकली एक्सपायरी थी, कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, थर्सडे। क्या लगता है थर्सडे? और बहुत बढ़िया एक्सपायरी हुई, कितनी गिरावट देखी हमने कल, लेकिन एक अच्छा आपको मिला। संकेत क्या देता है ये जो सुबह जो गैप अप खुला था कल का, ये मैं इसको फेक मानता हूँ। अगर गैप अप नहीं खुलता तो नॉर्मल यहीं से ऊपर जाता, अगर वो गैप अप ना होता तो आज देखिए तो हम हायर जोन पर बंद हुए, बंद कहाँ हुए, समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास हम बंद हुए हैं निफ्टी में। इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? 9950। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। ये सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट यहाँ पर है, वो है 20,000 के ऊपर पास। ये 20,000 में लिख लेता हूँ, 20,000 के पास सपोर्ट है। अगर अर्ली मॉर्निंग में डिप्स मिलती है तो 20,000 संभल जाता है तो सब कुछ ठीक है। अगर ये पॉसिबल है कि 20,000 संभल भी जाए, अपसाइड कहाँ तक आ सकता है? अपसाइड तो फिर न्यू हाई पर चल रहा है ना, तो न्यू हाई पर चला जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ 20,000 को ही संभालना है। बैंक निफ्टी क्या लगता है? बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया है, कीर्तिमान है। प्रॉब्लम है कि ये 46,000 के आसपास आज का हाई देखा, अब ये थोड़ी दिख पकड़ है। अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 45,700, अगर अर्ली मॉर्निंग डिप्स आती है और 45,700 के यहाँ सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो अब ट्रेंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही में है, और मैंने सुना है कि आज कुछ रात को अमेरिका में बड़े डेटा आने वाले हैं। बड़े डेटा आने दो नहीं है तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक बात से मतलब है, निफ्टी का लेवल 20,000 ये टूटना नहीं चाहिए, बैंक निफ्टी का लेवल 45,700 इसके नीचे क्लोज नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर अपमूव ऑन है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, मार्केट ऊपर है, बस इतना ध्यान दीजिए। डिप्स पाएगा और कुछ नहीं, और वो भी अर्ली मॉर्निंग डिप्स, मार्क कीजिए पॉइंट्स, ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है।